हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलो हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे इसी तरह हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने जीवन को देश के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने सम्मान अर्जित किया है। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक प्रमुख कड़ी साबित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताते चलो उनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतु गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पति वार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहतु से कुरुम्बदा आकर बस गया, और जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बंबा चला गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं कि बिरसा का परिवार वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बांसुरी बजाने की में उस्ताद हो गए। उन्होंने कद्दू एक बार तार वाला बांधक यंत्र तुलछा बनाया था जिसे भी वो बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल अखारा गांव में बीते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं गरीबी के इस दौर में बिरसा मुंडा को उनके मामा के गांव आयू भातू भेज दिया गया। आयू भातू में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाम के उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, उस नाम समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलो लोगों का विश्वास। दोस्तों इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। एक कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसा और लाइक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं, प्रभाव में वृद्धि। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जन सामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों कि संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताने चलूं कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। दोस्तों 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग में केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी। दोस्तों आपको बताना चलूं
कि अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया, उन्हें इस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा जाता था। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताते चलूं विद्रोह में भागीदारी और अंत। तो दोस्तों 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक के नीचे दम कर रखा था। और अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीन कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों आपको बताता चलूं, जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधर में गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं बिरसा मुंडा की मृत्यु। तो दोस्तों बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो दोस्तों ये थे बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, उनके जीवन से कुछ कहे अनकहे पहल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लेकर बताएं आपको कैसे लगी स्टोरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।